नमस्कार, HBNN में आपका स्वागत है। आज हमारे पास आपके लिए एक सनसनीखेज ऑडियो है। ये ऑडियो स्वाई कॉस्मेटिक के संचालक जीतू गंगवानी का है, जो मारपीट करने से पहले नीलेश सोनी को दादागिरी दिखा रहा था। जीतू गंगवानी ऑडियो में नीलेश सोनी को यह कहते हुए धमका रहा है कि मालवीगंज में पता कर लेना रिंकू पारा सर का क्या हाल किया है। मेरे कहने पर पुलिस वाले ने घर से थाने तक उसे मारते हुए ले गया था। इस दौरान गंगवानी ने कई बार अपशब्दों का इस्तेमाल भी किया है। यह ऑडियो हमारे पास सुरक्षित है, लेकिन हम इस ऑडियो को आपको सुना नहीं सकते, क्योंकि इसमें बेहद आपत्तिजनक तरीके से बात की गई है। आपको बता दें कि ऑडियो में रिंकू पारा सर का भी जिक्र हुआ है। यह वही व्यक्ति है जिसने मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा है, उसमें दिलीप गंगवानी से 3 लाख रुपये लेने का जिक्र किया है। उसे इसके एवज में 11 लाख रुपए देने के लिए प्रेस राइज किया जा रहा है। दबाव में आकर रिंकू पारा सर की यह हालत हो गई है कि उसने कहा है कि एकमात्र रास्ता उसके पास बचा है कि वह आत्महत्या कर ले। इस संबंध में दिलीप गंगवानी ने बताया कि उसके पास रिंकू पारा सर द्वारा दिए गए चेक मौजूद हैं और उन्होंने पूरी लिखा पढ़ी के साथ 2017 में 3 लाख रुपये लिए थे। इस पैसे का रिंकू दुरुपयोग किया है और अब राशि देने से मना कर रहा है और इसके लिए दबाव बना रहा है। हालांकि आपको एक बात बता दें कि रिंकू पारा सर अपना घर बेचकर भी मूल राशि 3 लाख रुपए अदा करने के लिए तैयार है, लेकिन दिलीप गंगवानी यह राशि नीलेश सोनी से लेने को तैयार नहीं है, ऐसा नीलेश सोनी का कहना है। तो देखते रहिए खास खबरें HBNN पर, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें,